मुरादाबाद जिले की नगर पंचायत पागवाड़ा में आम आदमी पार्टी से निर्वाचित चेयरमैन मोहम्मद याकूब ने क्षेत्रीय नागरिकों के साथ जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह से मुलाकात करके क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की। शुक्रवार को आप चेयरमैन मोहम्मद याकूब दर्जनों नागरिकों के साथ जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह से मिले और उन्हें एक ज्ञापन भी पेश किया गया। इसमें कहा गया कि 26 जून 2023 को अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नोटिस के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि अमरोहा कैलसा पागवाड़ा मार्ग चौड़ीकरण हो रहा है। चेयरमैन मोहम्मद याकूब ने ग्रामीणों का पक्ष शालीनता के साथ बहुत अच्छे अंदाज में पेश करते हुए कहा कि इस मार्ग पर लोग तब से निवास करते आ रहे हैं जब कैलसा रोड अमरोहा जाने के लिए साधारण रास्ता हुआ करता था और तब चकबंदी भी नहीं हुई थी। ज्ञापन में कहा गया कि चौड़ीकरण कार्य के दौरान दुकान व मकान तोड़े जाने से क्षेत्रीय नागरिकों को आर्थिक नुकसान होगा और वह बेरोजगार हो जाएंगे। उनके पास और कोई विकल्प जीवन यापन हेतु नहीं है। ऐसी स्थिति में रिहायश एवं व्यावसायिक स्थल को तोड़े जाने से रोका जाए एवं उचित वैकल्पिक व्यवस्था आपसी सहमति से बनाई जानी चाहिए जिससे नागरिकों को आर्थिक नुकसान न हो। नागरिकों के पास दुकान व मकान के बैनामे मौजूद हैं। जिलाधिकारी ने चेयरमैन मोहम्मद याकूब के पक्ष को गंभीरता से सुना एवं SDM सदर को परीक्षण करने के निर्देश भी दिए हैं। चेयरमैन पागवाड़ा मोहम्मद याकूब ने बताया कि आज जो आप मिले क्या मामला था पूरा? माननीय DM साहब से मिले हम और पागवाड़े के जितने भी दुकानदार हैं या जो वहाँ लोग रह रहे हैं सभी लोग अपनी गुजारिश अपनी इल्तिजा ले करके आए थे और यहाँ पे हमने DM साहब के सामने अपनी बात रखी। बात हमने इस प्रकार से रखी कि यहाँ पे जो पहले चकबंदी से पहले रोड था वो 12 मीटर था, तो हमारी उनसे गुजारिश है कि चकबंदी से पहले से जब लोग वहाँ पर रह रहे हैं तो 12 मीटर की रोड छोड़ करके वो अपना अतिक्रमण हटवा सकते हैं। हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग ये कह रहे हैं, जिससे कि यह है कि उनकी रोजी रोटी का हिल्ला भी वहाँ पर रह जाएगा और इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। आश्वासन दिया है सर ने कि ठीक है, हम इसमें जो है जानकारी करा लेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये हमारी कोशिश जो है कामयाब रहेगी क्योंकि हमने एक अच्छी बात रखी है और सही बात रखी है और सभी के हित के लिए रखी है।